हमने सेहत पर अलग अलग तरह के कैंसर्स के बारे में बात की है, जैसे ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह। आज हम एक ऐसे कैंसर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में एक तो लोगों को ना के बराबर जानकारी है, दूसरा शर्म और झिझक के कारण वो खुलकर इसके बारे में बात नहीं करते। ये है पिनाइल कैंसर, यानी पीनस में होने वाला कैंसर, यानी लिंग में होने वाला कैंसर। पिनाइल कैंसर के केसेस वेस्टर्न देशों में थोड़े कम हैं, पर हाँ डेवलपिंग देशों में ज़्यादा हैं, जिसमें से एक भारत भी है। दिक्कत यह है कि पिनाइल कैंसर के लक्षण अगर मरीज को महसूस भी होते हैं तो भी वो शर्म के मारे इसका जिक्र नहीं करता। नतीजा ये होता है कि बीमारी एडवांस्ड स्टेज में पहुंच जाती है, जहां इलाज दवाइयों से हो सकता था वहां सर्जरी करवानी पड़ती है, और सर्जरी के बाद भी बीमारी ठीक होगी या नहीं ये कह नहीं सकते, इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पिनाइल कैंसर के बारे में सही जानकारी होना और लक्षण महसूस होने पर तुरंत मेडिकल मदद लेना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि पिनाइल कैंसर होता क्या है। आज मैं आपको एक ऐसे कैंसर के बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिसके सिम्टम बताने के लिए लोग घबराते हैं और शर्माते हैं, और इसी घबराहट की वजह से कई बार ये बीमारी एक एडवांस स्टेज में चला जाता है और हमको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये बीमारी है पुरुषों में होने वाला पेनिस का कैंसर। तो पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम का एक पार्ट है, जहाँ पर कई बार गांठ या कैंसर होने का चांस होता है। पेनिस कैंसर के सिम्टम्स में मेन जो सिम्टम है वो है पेनिस पे कोई भी प्रकार का गांठ आ जाना, वहाँ पर कोई भी प्रकार का अल्सर हो जाना, वहाँ पर कोई भी ब्लीडिंग होना, सोरनेस होना जो काफ़ी दिनों तक परसिस्टेंट है या फिर बढ़ रहा है। उसी के साथ कभी कभी पेनिस का जो कैंसर है वो ग्रोइन में या फिर जांघों में फैल सकता है, तो जांघों में गांठ आ जाना ये भी पेनिस कैंसर का सिम्टम है। तो ये सब सिम्टम अगर किसी पेशेंट में है तो कई बार ये पेशेंट ये सिम्टम बताने के लिए घबराते हैं, और उसी की वजह से ये बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। पेनिस का जो कैंसर होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ये एक प्रकार का वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। मोर देन 50% ऑफ टाइम ये बीमारी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। उसी के अलावा कई बार कुछ पेशेंट्स में फाइमोसिस नाम का बीमारी रहता है। तो फाइमोसिस मतलब क्या है कि पेनिस के जो ऊपर का स्किन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस, तो ये प्रीप्यूस जो है वो रिट्रैक्टेबल नहीं होता, तो उस केस को बोलते हैं हम फाइमोसिस। तो जिन पेशेंट्स में फाइमोसिस है उनमें भी ये बीमारी कैल्सियम पेनिस होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। उसी के साथ कुछ पेशेंट्स में अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन है, तो उन पेशेंट्स में भी पेनिस का कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन को रोकना। तो उसको रोकने के लिए दो चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारे पास अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा वैक्सीन अवेलेबल है, और उस वैक्सीन के मदद से हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं वो है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना, जैसे कि कंडोम का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन का स्प्रेड प्रिवेंट कर सकते हैं और आगे जाकर कैंसर का प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। तीसरी जो बात है, जिन लोगों में फाइमोसिस का बीमारी है उन पेशेंट्स में अगर हम सर्कमसीजन नाम का एक सर्जरी होता है जिसमें हम प्रीप्यूस का स्किन थोड़ा सा निकाल देते हैं, प्रॉपर जेनिटल केयर और जेनिटल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है कैंसर का प्रिवेंशन करने के लिए। पेनिस का जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसका स्टेज क्या है। अगर उसमें अर्ली स्टेज है तो अलग ट्रीटमेंट होता है, और लेट स्टेज में अलग ट्रीटमेंट होता है। तो इस ट्रीटमेंट में तीन पार्ट आते हैं, पहला जो है वो है सर्जरी, दूसरा जो है वो रेडियोथेरेपी, और तीसरा जो है कीमोथेरेपी। जनरली ज़्यादातर केसेस में
शुरू में हम ऑपरेशन करके गांठ निकालते हैं, उसके बाद वो जो गांठ निकाले हैं उसका रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट के अनुसार आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि आगे चलकर उनको रेडिएशन थेरेपी देना है, कीमोथेरेपी देना है। ये तीन प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सर्जरी में गांठ निकाला जाता है, रेडियोथेरेपी में हम जहाँ पर गांठ निकाला है वहाँ पर एक्सरेज और गामा रेज का रेडिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं, और कीमोथेरेपी मतलब सलाइन थ्रू या गोलियों के से हम कैंसर के कुछ दवाइयाँ होते हैं वो पेशेंट्स को देते हैं। जैसे डॉक्टर जगदीश ने बताया, पेनाइल कैंसर के केस में लोग अक्सर डॉक्टर के पास आने में देर कर देते हैं, जिसकी वजह से इलाज मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा ना करें, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपके बालों में दर्द क्यों होता है। हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सब तो सुना है, पर क्या आपके बालों में भी दर्द होता है जब आप उन पर हाथ फेरते हैं या फिर कंघी फेरते हैं? अब ऐसा क्यों होता है? अव्वल तो ये आपके बाल नहीं है जिनमें दर्द हो रहा है, आपके हर बाल की जड़ से एक नर्व जुड़ी हुई होती है, असर उन पर पड़ता है। आपके सिर की स्किन के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स यानी धमनियाँ, जब ये सूज जाती हैं तो उनके आसपास मौजूद नर्व्स यानी तंत्रिकाओं पर प्रेशर पड़ता है, तब आपको दर्द वाला एहसास होता है। अब धमनियों में सूजन क्यों आ जाती है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपने अपने बाल बहुत टाइट बांधे हुए हैं पोनीटेल में। इसके अलावा स्ट्रेस, डैंड्रफ, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, प्रदूषण, सिर में चोट, माइग्रेन, हेलमेट पहनने से और हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से भी ऐसा होता है। अब आप इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर ये दर्द आपको किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको उस कंडीशन का इलाज करवाना होगा। अगर आपके सिर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके साथ दर्द भी है तो ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से मिलें, वो आपकी जाँच करेंगे और सही वजह बताएंगे। पर अगर ऐसा किसी मेडिकल कारण से नहीं है तो आप बाल धोने के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बदल कर देखिए। किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट अपने सिर पर मत लगाइए, अपने स्कैल्प को थोड़ा आराम दीजिए। कुछ समय बाद आप तेल से अपने बालों को मसाज कर सकते हैं, आराम मिलेगा। आप अपने बालों की जड़ों में एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, ये सूजन से आराम दिलाएगा। इसे 30 मिनट तक लगा रहने दीजिए और उसके बाद सादे पानी से बाल धो लीजिए। अगले दिन फिर शैम्पू कीजिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अंकुरित सोयाबीन खाने के फायदे। जिस तरह से लोग चने या फिर मूंग को अंकुरित करके खाते हैं, उसी तरह से सोयाबीन के बीजों को भी अंकुरित करके खाया जाता है। इसके फायदों के बारे में हमें बताया रेखा गुप्ता ने। अंकुरित सोयाबीन खाने से शरीर को प्रोटीन के अलावा आयरन, विटामिन सी और कुछ हेल्दी फैट मिलते हैं, जो कि शरीर के सेल्स, टिश्यूज और कई अंगों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसे आप सलाद और चाट में खा सकते हैं, सूप बनाकर भी पी सकते हैं। अंकुरित सोयाबीन खाने से आयरन की कमी पूरी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और साथ ही हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।